गंगापुर सिटी में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी पंखीलाल मीणा की चुनावी सभा को संबोधित करने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे। उन्होंने सभी से लोकतंत्र के महाकुंभ में अपनी पूर्ण सहभागिता निभाने की अपील की, साथ ही अपने मत का सही उपयोग करने को कहा। आइए देखते हैं उनकी चुनावी सभा की कुछ झलकियां। हमको लीडर बनाना है और लाल जी का ही इस बार साथ देंगे। ये जितने भी भाई हैं सब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूदा हाजरीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, गंगापुर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब पंखीलाल मीणा साहब, राजस्थान के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष मोहतरम जनाब जमील खान साहब, काशिफ जुबेरी साहब, इमरान साहब, सवाई माधापुर के मजलिस के कैंडिडेट जफर अमीन साहब, हाशिम खिलदार साहब, पार्षद जनाब जुल्फ़िकार साहब, सलीम खिलदार साहब, मोहम्मद हाशिम साहब, अकरम खान साहब और जिला सचिव एमआईएम पार्टी सद्दाम खान साहब, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने बेइंतहा मोहब्बत का मुजाहरा किया और मैं सिर्फ ये दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह सुबहाना व तआला आप तमाम को सलामत रखे और आपके दिलों में जो मजलिस की मोहब्बत है उसमें और इजाफा हो। आप जानते हैं कि पहली मर्तबा मजलिस पार्टी राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में हिस्सा ले रही है और आज यहां पर हमने हमारे एक बुजुर्ग नेता पंखीलाल मीणा साहब को अपना उम्मीदवार कैंडिडेट बनाया है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इस विधानसभा में एक बड़ी तादाद में हमारे मीणा भाई और मुस्लिम अखिलियत और 32 बरादरियों के समाज के तमाम लोग यहां पर रहते हैं। मुझे जानकर बड़ी तकलीफ हुई कि जिस विधायक को आपने कामयाब किया इस विधानसभा से, वो बजाय काम करने के, वो बजाय जनता की खिदमत करने के, उनकी मुश्किलात को हल करें, उनके लिए आसानी पैदा करें, यहां पर विकास का काम करवाएं। मुझे ये बताया गया है कि मौजूदा विधायक ने अवाम के साथ धोखा दिया है, अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है और जहां पर खास तौर से गरीब अवाम के घर हैं, महल्ले हैं, वहां पर कोई विकास का काम नहीं करवाया। मुझे यह भी बताया गया कि एक पार्क है, उस पार्क में भी उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें वहां पर कर दी हैं, कई जगह पर डेवलपमेंट विकास का काम नहीं करवाकर उन्होंने अपनी तासुब का मजाहरा किया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस गंगापुर में आपको एक अच्छे उम्मीदवार को, कैंडिडेट को कामयाब करना है। अगर आज गरीब समाज एक हो जाएगा और मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करेगा तो मुझे यकीन है कि हमारे कैंडिडेट जनाब पंखीलाल मीणा साहब यहां से कामयाब हो सकते हैं। मगर ये उसी वक्त मुमकिन है मेरे भाई
जब हम अपनी सफों में इत्तेहाद को मजबूत करेंगे, अगर हमारे ही सफों से कोई मीर जाफर और मीर सादिक का रोल अदा करेगा तो फिर हमको कामयाबी नहीं मिल सकती है। ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।